आज हम लोग पढ़ेंगे, कल पढ़े थे हम लोग भीष्म साहनी का लेख गांधी। तो इसी में तीन व्यक्तियों की आत्मकथा दी गई है, तीन नेताओं की, तो गांधी, नेहरू और यासिर अराफात। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नेहरू, नेहरू जी के विषय में। सभी नेहरू जी को सभी जानते हो कि वो क्या बोलते हैं, 14 नवंबर को उनका जन्मदिन मनाया जाता है, और क्या बोलते हैं उसमें, 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो बच्चों से काफ़ी प्रेम करते थे, इसलिए उनको उनका जन्मदिन पर बाल दिवस मनाया जाता है, ऐसा है। तो ये एक बड़े हमारे देश के नेता भी कभी हुआ कभी थे। उनकी बात जब यहाँ पर सभी नेताओं को एक कहा गया के विषय में कहा गया है कि पंडित नेहरू जी एक बार कश्मीर यात्रा पर जाते हैं, तो जब हम देखते हैं कि अगर कोई भी नेता जैसे व्यक्ति कहीं पर आते हैं तो उनका स्वागत के लिए पूरा सभी लोग हैं सो तैयार हो जाते हैं, और बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी करते हैं कि नेता जब मैंने आगे पीछे करके भी जैसे भी हो उनका स्वागत बहुत अच्छे तरीके से हो। तो एक बार नेहरू जी कश्मीर की यात्रा पर जाते हैं तो उनका स्वागत के लिए कश्मीर के लोग बहुत ही तरह तरह से तैयारियां किया कर रहे थे। उनके लिए बहुत फूल मालाओं से पूरे सड़कें सजी हुई थी, और लोग जगह जगह पर खड़े थे उनकी के लिए स्वागत के लिए। उनको पूरे नाव में उनकी शोभा यात्रा निकाली गई थी, शहर के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, सिरे तक। कहते हैं सातवें पुल से अमीरक दल तक नाव में उनकी शोभा यात्रा निकाली गई थी। और उन इस तरह से सभी कश्मीर वासियों में जब नेहरू जी कश्मीर पहुंचते हैं तो सभी कश्मीर वासियों के चेहरे खिले खिले दिखते हैं। उनके अदम्य स्वागत के लिए सभी अपने उत्सुक नज़र आते हैं, और सभी ने मिल करके एक अच्छा सा मैंने उनका जो उत्साह था उनको देख करके नेहरू जी भी काफ़ी खुश हो जाते हैं। अब वहाँ पर उनको एक बंगले में ठहराया जाता है, जहाँ पर कि लेखक जो थे, लेखक के बंगले पर ठहराया जाता है जहाँ वो लेखक रहते थे भीष्म साहनी जी। तो लेखक के फुफेरे भाई रहते थे वहाँ। तो लेखक के जब फुफेरे भाई थे तो रात को जब उनका वहाँ खाना होता, वो तो दिन भर नेता थे तो दिन भर इधर उधर जाते रहते और विचार विमर्श करते रहते लोगों से देश के विषय में, जो भी उनकी कमियां थी बेसी थी जो भी थी उसके विषय में। राजनीति नेताओं का तो काम ही होता है कि अपना इधर उधर मिलजुल करके सब जगह, जब कहीं यात्रा पर गए हैं तो अपने राज्य की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए और सभी लोगों की भलाई के लिए वो वहाँ के नेताओं से मिल करके बातचीत करके समस्या का समाधान करने की खोजते हैं। तो नेहरू जी भी जब वहाँ कश्मीर जाते हैं तो उस समय वहाँ के लोगों से वो भी मिल करके बातचीत करते हैं, और लोगों का जो वहाँ पर जो जब इनको ठहराया जाता है तो लेखक के फुफेरे भाई के यहाँ वो ठहरते हैं। अब यहाँ लेखक के साथ दिन भर तो पंडित जी नेहरू जी इधर उधर बातों में लगे रहते थे तो उनसे बात करने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन रात को जब वो खाने के लिए बैठते तो खाने की मेज पर ही लेखक बैठ जाता था उनकी वार्तालाप को सुनने के लिए। क्योंकि सभी को ये लालसा होती है, कोई भी अगर नेता बाहर से आता है, चाहे बड़ा नेता है चाहे कोई जाने पहचाने व्यक्ति हैं, तो उनका सानिध्य सभी लोग चाहते हैं। तो लेखक को भी ये उत्साह था, उमंग था कि हम भी नेहरू जी की बातों को सुने और नेहरू जी के साथ उठे बैठे।
तो वो भी उनके साथ मेज पर, खाने की मेज पर बैठ जाते हैं। देखो, एक रोज खाने की मेज पर बड़े बड़े प्रसिद्ध लोग जैसे शेख अब्दुल्ला खान, अब्दुल गफ्फार खान, तीस श्रीमती रामेश्वरी नेहरू और उनके पति आदि थे। उनके मध्य चर्चा आरंभ होगी। किसी बात पर उन लोगों की चर्चा, जब सभी लोग एक साथ, बड़े बड़े नेता लोग थे वो लोग खाने पर बैठते हैं, तो एक श्रीमती ने रामेश्वरी नेहरू भी जो थी और उनके पति भी थे, तो वो लोग सभी बैठते हैं, तो एक किसी बात में उन लोगों की बहस छिड़ जाती है। बातों बातों में रामेश्वरी जी और नेहरू जी में बहस हो गई। तभी नेहरू जी ने धर्म के महत्व को व्यक्त करने के लिए फ्रांस के लेखक अनातोले द्वारा लिखित एक कहानी सुनाई। यहाँ पर जब बहस छिड़ जाती है तो किसी भी बात को लेकर के उनका, तो ये ऐसा महसूस होता है कि जैसे फिर काफ़ी गर्मा गर्मी हो गई, तो उसको बदलने के लिए नेहरू जी ने एक धार्मिक कथा सुनाते हैं। अनातोले, लेखक अनातोले द्वारा लिखित उनके एक कहानी थी, जो ऐसा कहानी का ये है। देखो, पेरिस में एक गरीब नट रहता था और उसी में से अपना गुजारा करता था। क्रिसमस का पर्व था और पेरिस के लोग हाथ में विभिन्न प्रकार के उपहार लेकर माता मरियम को श्रद्धांजलि देने जा रहे थे। उन लोगों को देखकर उस नट का मन भी श्रद्धांजलि अर्पित करने का हुआ, किंतु उपहार देने के लिए उसके पास पर्याप्त धन नहीं था। तो यहाँ पर नट के, एक नट की कहानी कही जा रही है। नट जानते हो किसे कहते हैं? जो सड़कों पर अपने कर्तव्य को, अपने जो अंदर की कलाकृति है उसकी कलाकृति को अपने सड़कों पर दिखाया करते हैं। तुम लोग देखोगे कभी कभी सड़क पर कोई दो तीन लोग रहते हैं, कोई लड़की रहती है, कोई जेंट्स रहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, कोई एक डंडे गाड़ देते हैं, फिर उसमें दो डंडे गाड़ देते हैं, कभी एक रस्सी बांध देते हैं, कोई उस रस्सी पर चलता है ऊंचे पर, तो इस तरह के वो कर्तव्य दिखाया करते हैं। कभी आग का, एक तार का बना हुआ गोल घेरा रहता है, उसमें वो लोग आग लगा देते हैं, फिर उसके अंदर से घुस के इस पार से उस पार निकलना, फिर उस पार से इस पार आना, मैंने इस तरह के कई एक कर्तव्य वो लोग दिखाते हैं। कभी लंबे डंडे पर ऊपर जाके खड़े हो जाते हैं। तो नट, ये होते हैं नट, इन्हीं को नट कहा जाता है, जो सड़कों पर अपने अंदर की कलाकृति को बाहर लोगों को दिखाते हैं और पैसे लोग उनकी कर्तव्य को देख करके, कितने जो जोखिम भरा वो कर्तव्य दिखाते हैं उस पर लोग उसे पैसे देते हैं, जिससे कि उनका गुजारा चलता है और वो अपना पेट उसी से भरते हैं। तो एक नट की यहाँ पर कहानी नेहरू जी बताते हैं कि वो नट जो था वो अपने, सभी लोग अपने कर्तव्य दिखा करके अपना पेट पाला करता था, लेकिन एक दिन जो क्रिसमस का क्या दिन था, पर्व था, तो क्रिसमस के पर्व में हम देखते हैं कि चर्च में सभी लोग उस धर्म जाति को माने, उस संप्रदाय को मानने वाले लोग सभी लोग वहाँ जाते हैं और मैं मरियम के पास में बहुत सारे जो भी अपना सामर्थ्य के अनुसार उपहार देते हैं, कोई फूल गुलदस्ता लेके जाता है, कोई कुछ लेके जाता है, कोई कुछ लेके जाता है। तो नट को भी लगा कि हमें भी कुछ देना चाहिए, लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं थे कि वह कुछ सामान खरीद करके बाजारों से ले जाता और मरियम को भेंट करता। तब वो सोचता है कि मैं क्या करूं? तो मेरे अंदर जो कलाकृति है, मेरे अंदर जो कर्तव्य है दिखाने की, जबकि वो बूढ़ा हो चुका था, उसकी उम्र ज़्यादा हो चुकी थी, अब वह नट वाला काम भी नहीं करता था, लेकिन मरियम को तोहफा देने के लिए, मरियम को कुछ भेंट स्वरूप देने के लिए वह उस समय सोचता है कि जब सभी लोग चले जाएंगे तब मैं मरियम को अपना कर्तव्य दिखा करके और उसको भेंट दूंगा। तो जब वो सभी लोग एक एक करके चले जाते हैं,
लोग जमा होते हैं, फिर एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और वहाँ जो प्रार्थना की जाती है, प्रार्थना के बाद सभी अपने अपने घरों को प्रस्थान कर जाते हैं। तब नट क्या करता है, वो मरियम के सामने जाता है और अपने पूरे कपड़े खोल करके, एक जो अंगोछा पहन के, और अपने करतब मरियम के सामने दिखाता है। मरियम के सामने जब वो करतब दिखाता है तो वो काफ़ी हाँफने लगता है, क्योंकि वो पसीने से लथपथ हो जाता है। करतब दिखाते दिखाते उसके शरीर की एनर्जी जो है वो बाहर आती है और वो पसीने से लथपथ हो जाता है और हाँफने लगता है। उसके हाँफने की आवाज़ को सुन करके जो अंदर चर्च के अंदर जो पादरी रहता है, जो चर्च का देखभाल करता है और चर्च में जो भी उनको, जैसे हमारे मंदिरों में पुजारी होते हैं उसी तरह से चर्च के रखरखाव के लिए एक पादरी का को वहाँ पर रखा जाता है। तो पादरी जो था उस चर्च के अंदर, जो पादरी था वह उसकी हाँफने की आवाज़ को सुन करके उसे लगा कि कोई जानवर अंदर घुस आया है जो यहाँ आवाज़ कर रहा है, हाँफ रहा है। तो जब वह मरियम के पास आता है तो देखता है कि एक व्यक्ति नंग धड़ंग होकर के कुछ अपने कर्तव्य को दिखा रहा है और हाँफ रहा है। तब उसे वो चाहता है कि मैं इसे ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये हमारे के खिलाफ है, हमारे जो धर्म के खिलाफ है। ये इस तरह से अपने पूरे वस्त्र को उतार करके और एक अंगूछा पहन करके वह कर्तव्य दिखा रहा है। तो वो सोचता है कि इसे लात मार के बाहर कर दिया जाए, लेकिन जैसे ही उसके मन में ये भाव उत्पन्न होता है, यहाँ पर मरियम का अपने, जैसे मरियम को तो भगवान के तौर पर यहाँ देखा जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि मरियम ही ईसा मसीह को जन्म दी थी, तो वो माता मरियम के रूप में प्रसिद्धि पाई थी और लोग उनकी भी पूजा करते थे, क्योंकि ईसा मसीह भगवान के अवतार थे और भगवान के अवतार को जिसने जन्म दिया वो माता, तो अपने भी ऐसे ही माता को पूजनीय कहा गया है कि माँ तो होती है वो सर्वस्व होती है, सभी की, अपने जितने भी बच्चे हैं वो उन सबको का ख्याल रखना माँ अपना कर्तव्य समझती है। तो ऐसा नट के मन में जो नट जो अपना कर्तव्य दिखा रहा था और पादरी के मन में ये जो भाव आया कि मैं उसे लात मारकर हटा दूँ, बाहर निकाल दूँ, तो वह मरियम को देखता है कि मरियम अपने जगह से हिलती है और उस नट के पास आकर के नट के जो चेहरे से ऊपर से पसीना जो चू रहे हैं उन पसीनों को अपने हाथों से पोंछती है। ऐसा पादरी ने साक्षात देखा। तो यहाँ पर कहने का भाव है कि एक भक्त का अपने भगवान के प्रति कितनी आस्था होती है, श्रद्धा होती है, जिससे कि कहते हैं कि जब जिस अवस्था में भी भगवान को यदि हम कहीं पर अपने रहते हैं और भगवान को यदि सच्चे मन से पुकारते हैं तो भगवान वहाँ आकर के हमारी सहायता करते हैं। तो यहाँ पर भी नट जो था वो उसकी सहायता वो करती है कि अभी पादरी के द्वारा वह लात मारा जाता और बाहर निकाला जाता है खदेड़ करके, लेकिन मरियम उसको बचा लेती है। तो यहाँ पर मैंने एक धर्म के प्रति आस्था अपनी और एक भगवान के प्रति अपनी विश्वास आस्था का प्रतीक यहाँ पर बताया गया है। तो सभी लोग ये जो कहानी वो बता रहे थे, खाने की मेज़ पर जितने लोग भी बैठे हुए थे वो बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और उसके बाद लोग इसमें ही खो गए कि किस तरह से अब भक्त भगवान जो होता है वो अपने भक्त की रक्षा करता है। अब देखो आगे, एक बार नेहरू जी से वार्तालाप करने की लालसा में लेखक अखबार लेकर बरामदे में खड़ा हो गया। उन सभी को लगता है कि मेरे से कोई दो बोल कर ले, दो बातें कर ले कोई नेता जो आदमी है, तो लेखक को भी ये अंदेशा था कि मैं भी नेहरू जी से कुछ बातें कर लूं, लेकिन उनको ये इतनी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि मैंने खुद जा कर के उनके पास बैठूं और बात करूं। तो वो क्या, सुबह में रोज़ सब जगह अखबार आते हैं तो अखबार पढ़ने का शौक़ तो सबको रहता है कि देखें क्या आज का न्यूज़ क्या छपा है,
ऐसे ही सुबह सुबह लेखक जो है वो सीढ़ियों पर खड़े होकर के अखबार पढ़ रहा है, और अखबार जब पढ़ने का उसको ध्यान आता है तो वो सोचता है कि मैं अखबार तो पढ़ रहा हूँ, लेकिन उनका उसका ध्यान था कि कब नेहरू जी आए, और नेहरू जी आ करके हमारे से मेरे से अखबार मांगे, अर्थात उनको उनसे उनकी बात सुनने की, या फिर उनको वो जा करके खुद भी उनके रूम में कमरे में जा करके अखबार को दे सकता था लेखक, लेकिन वह ऐसा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनको उनसे बात करने की इच्छा थी, उनके सामने उनसे वो वार्तालाप करने की इच्छा थी, इसलिए वो अखबार को पढ़ रहे थे, और अखबार को पढ़ वो कम रहे थे, बस वो तिरछी नज़रों से हमेशा ये देख रहे थे कि कब नेहरू जी आते हैं और कब इस अखबार को मांगेंगे। तो नेहरू जी भी कुछ देर आकर के उसके पास बगल में खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वो मुझे अखबार देख करके दे देगा, लेकिन जब वो अखबार नहीं उनके हाथ में मिलता है तब उन्हें विवश होकर के बोलना पड़ता है कि यदि आप अखबार देख लिए हैं तो मैं भी इसे कुछ देख सकता हूँ कि अखबार में क्या है। तो उन्हें उनको लगता है कि मैं ये बात जब नेहरू जी कहते हैं तो लेखक शर्मिंदा हो जाता है कि मैंने ये बहुत बड़ी भूल की, गलती की कि मैंने उन्हें पेपर अखबार नहीं दिया। इस तरह से लेखक को अपने आप शर्म महसूस होती है कि हमने नेहरू जी के साथ कुछ गलत कार्य कर दिया। तो कहने का भाव है कि कोई भी बड़ा नेता होता है उससे छोटे लोग जो होते हैं वो हर समय चाहते हैं कि हम मेरे से भी उनका वार्तालाप, मेरे पास भी वो, हम भी उनके पास आमने सामने उठ बैठ सके। तो यहाँ नेहरू जी की महानता बताई गई है कि नेहरू जी जो थे वो सभी का ख्याल रखते थे। जैसे कभी मतलब वो कमजोर लोगों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करते थे, और यहाँ पर उनके स्वभाव के विषय में भी बताया गया है कि वो सहनशील, मृदुशील और व्यवहार कुशल व्यक्तित्व के स्वामी थे। उनके अंदर अहम भाव नहीं था, अर्थात उनके अंदर कहते हैं कि घमंड का लेस मात्र भी जगह नहीं थी। वो दूसरे के अधिकार को भी समझते थे, इसी तरह से वो सबके मनोभाव को समझते थे। तो आज ये नेहरू आज यहाँ समाप्त हो गया। अब हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे, और इसमें जो है एक यासिर अराफात, वो अगले दिन पढ़ेंगे।